हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में अब हमें पता है ना ही कुछ पिछले हफ्तों से बट इनफैक्ट कई पिछले सालों से इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशंस हैं दे हैव बीन विटनेसिंग अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स जहां पे बोथ द कंट्रीज हैव अक्यूज्ड वन अनदर एंड देयर गवर्नमेंट एजेंसीज़

न्यूक्लियर right? पावर जिसके कारण बहुत सारे देशों ने उनके ऊपर इंडिया पे सैंक्शन भी लगा दिए थे इसके कारण इंडिया और कैनेडा के रिलेशन के अंदर एक चिल्प या फिर एक लो फे आया था हाउ एवर With the Trudeau government in power, 2018 onwards, there have been a series of events and incidents because of which several diplomatic rows have occurred between India and Canada, the latest of which have now has now happened again. Okay? तो क्या है ये मुद्दा क्या है ये इंसिडेंट नाउ इंपॉर्टेंटली जैसे कि हमें पता है दैट ऑलरेडी जून 2023 के अंदर एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था कनाडा में राइट right? जहां पे कनाडा uh, के अंदर ऑपरेट करने वाले एक जो सिख सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे हु वाज एसोसिएटेड विद द खालिस्तानी मूवमेंट राइट हरदीप सिंह निज्जर इनकी असैसिनेशन हो गई राइट right?

अब इसी के चलते हुए कैनेडा ने क्या किया इन्होंने इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे वहां पे उन्हें एक्सपेल कर दिया और इसी के चलते हुए इन मूव इंडिया हैज नाउ एक्सपेल्ड कनेडियन हाई सीटर्स जो कि इंडिया uh, के अंदर थे इंक्लूडिंग द कनेडियन हाई कमिश्नर राइट लेफ्ट इंडिया राइट तो ये इस तरह की एक जो एक्सपेलिंग है डिप्लोमैथ्स ये एक मेजर लो पॉइंट दिखाता है इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस इवेंट और व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लार्जेस्ट सोशल एंड पोलिटिकल कॉन्टेक्सट ऑल्सो जिसके विदिन ये अकर हो रहा है right? because this is what matters and this is what helps us understand the kind of great power relations एज वेल एज इशूज एंड किस तरह से ये जो ऑन गोइंग डिप्लोमै जो ऑन गोइंग डोमेस्टिक होते हैं उनके साथ ये किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं राइट नाउ बिफोर वी मूव ऑन देर वी नो दैट बोथ इंडिया एंड कैनेडा हैव हैड अ वेरी लेंथी रिलेशनशिप इनफैक्ट वेन वी लुक एट कैनेडा इट होस वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन जो कम्युनिटीज है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा जो है कनाडा होस्ट करता है व्हिच इज 1.3 मिलियन रेजिडेंट्स एंड अबाउट 4% ऑफ इट्स पॉपुलेशन व्हिच कंटिन्यूज़ टू इवन राइज़ इंडिया जो है इन इकोनॉमिक टर्म्स आल्सो कनाडा के लिए प्रायोरिटी मार्केट है जहां पे ये 10थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था कनाडा का इन 2020 वेरी इंपॉर्टेंटली इन अदर एरिया ऑल्सो इंडिया हैज बीन अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेशली कैनेडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ट्वेंटी एटीन ऑनवर्ड्स राइट ये टॉप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कहां से आ रहे हैं इंडिया से जो है ये आ रहे हैं कैनेडा के पास

जहां पे विद इन रीसेंट सर्वेस ओनली 28% ऑफ द पॉपुलेशन फेल्ट दैट ट्रूडो वाज रेडी फॉर अ री इलेक्शन तो उनके लिए ये एक बहुत ही मेक और ब्रेक पीरियड है जिसके कारण जो उनके की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको ये अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि अब हमने बात की रीसेंट टाइम्स में सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ टेंशनस राइट सो so 2018 में फॉर एग्जांपल Prime Minister Trudeau had witnessed uh, uh, you know visited India to try and settle some ruffled feathers which had happened again because of accusations of Canada not doing enough to curb the Khalistani elements operating on the Canadian soil then during the farmers' protests in 2020, also there had been criticism that had come from the Trudeau government towards the Indian government. Jiske karan, there was a lot of backlash, and again, this led to instability in relations. Now, all of this obviously reached a major high point with respect to the assassination of Niger and the accusations from the Canadian side that followed. Now, these worsened again in May 2024, when preliminary report was Prepared by Canada's Foreign Interference Commission, right, which actually talked about the Canadian elections, which in 2019 and 2021. Now, this uh, commission was actually uh, put into work; was actually made in the aftermath of realization of Russian interference in U.S. elections, right? So, in that in that entire atmosphere, such a commission was formulated in Canada as well. रिपोर्ट ने क्या बोला है इन्होंने इंडिया को आइडेंटिफाई किया है एज वन ऑफ द फॉर एक्टर्स इंटरफेयर इन कैनेडाजेड इंडिया नेम्ड राइट चाइना जो है ग्रेटेस्ट एडवर्सरीज एंड इंटरफेयर सिमिलरली पाकिस्तान प्रोक्सी एलिमेंट्स to gain influence in Canada, right. एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं दैट अगर हम बात राइट इवन दो इंडिया का ये मानना है, in again, rise, right? like अब हम देख सकते हैं कि अपनी डोमेस्टिक पावर को कंजर्व करने के लिए इंडिया ऑलमोस्ट आल्सो बीन क्लब इन दीज रिविजन स्टेट्स के साथ राइट right? जहां पे इंडिया को भी भुगतना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक प्रेशर्स जो कि गवर्नमेंट विटनेस कर रही है रिपोर्ट ने इनफैक्ट कहा कि इंडिया का इंटरेस्ट इन कैनेडा लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटी जो है फोकस कर रहा है ऑन सेक्शन दैट फॉस्टर एंटी इंडिया सेंटिमेंट एंड थ्रेट इन इंडिया स्टेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी खालिस्तानी कम्युनिटी राइट ना दिसमेंट है एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट कैनेडा ने स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उनके अगेंस्ट नहीं लिया है नाउ दिस इंटायर डिप्लोमैटिक राव हैज नाउ एक्सप्लोडेड टू एन एक्सटेंट

जो लीडरशिप है इन कंट्रीज की उन्होंने कुछ ज्यादा कहा नहीं है राइट right? एंड जो भी फाइव इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनके रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम इंडिया को यही रिक्वेस्ट uh, करेंगे दैट दे एंड अप कोऑपरेटिंग एज फार एज द प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न कैनेडा में सो दैट यू कैन रीच टू द हार्ट ऑफ द मैटर राइट एंड वन कैन लुक फॉर अ अल्यूशन राइट हाउ एवर नो इज आउट राइटली टेक साइड ऑफ वन और द अदर कंट्री However, the issue again is that India has been witnessing such problems with a number of other powers also. Right? So for example, 2023 may the Indian delegation visited Washington to discuss this accusation with respect to involvement of an Indian government agent in the murder for hire plot of the thick separatist leader, right, Gurpathwan Singh Pannu, right, who had escaped assassination. Right. However, the uh, US maintained children is completely separate from what is happening in Canada. Right. It has no relation, no bearings with it whatsoever.

जौहल की डिटेंशन जो है आर्बिट्ररी है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है बट इट इज अप टू टू इंडिया एंड यूके दिस इशू बिटवीन अपटवीन ठीक है तो इसीलिए हम देख सकते हैं ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ इंडिया द काइंड ऑफ रिलेशन इट इंजॉय इंडिविजुअली विद ईच ऑफ दिज कंट्रीज दे वॉन्ट टू मेंटेन अ टाइट रोप इन मैनेजिंग द रिलेश बिटवीन कैनेडा एंड इंडिया एंड ऑब्वियसली इन अ राइजिंग ग्रेट पावर राइवलरी इंडिया जैसा एक स्ट्रॉन्ग पावर स्पेशली इंडो पैसिफिक में एशियन रीजन में यूएस जैसी पावर टू लूज नहीं करना चाहेगी ठीक है तो इसीलिए इस इशू को बहुत सेंसिटिवली वो हैंडल करना चाहेंगे अब अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं फ्रॉम एकेडेमिया फ्रॉम सिविल सोसाइटी फ्रॉम थिंक टैंक्स बोथ विद इन कैनेडा एंड आउटसाइड कैनेडा इन फैक्ट द ट्रूडो ग्रिटिसाइज अलॉट इनफैक्ट अगर हम विद इन कैनेडा की भी रिएक्शंस की बात करते हैं तो कैनेडा के एक प्रोमिनेंट न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट जॉन इविनसन ने यही चीज लिखी दैट कैनेडा रियली नीड्स टू डील विद द खालिस्तानी एलिमेंट्स दैट सीम टू फ्लरिश विद इन इट्स बॉर्डर्स राइट हिज आर्ग्यूमेंट इज दैट फॉर डोमेस्टिक प्रेशर्स राइट इफ द टू डो गवर्नमेंट इज प्लेइंग दिस गेम इट इज नॉट गोइंग टू बेड वेल फॉर Canada in the longer run. And in fact, this has led to even the questioning of the RCMP's uh, impartiality in putting forward these accusations without putting forward the evidence that up this basis is cheez ko bold. Right? In fact, this was also pointed out that when uncomfortable questions were put to the NDP uh, leader Jagmeet Singh, who also happens to be an ally of the Liberal Party, which is led by जस्टिन ट्रूडो राइट प्राइम मिनिस्टर माओपियाड मूव है दे really है ये लॉन्ग टर्म एक डिप्लोमैटिक राइवलरी एंड टेंशन जो है विद अ वेरी सॉलिड स्टेबल पार्टनर शुरू कर रहे हैं which really doesn't bode well for Canada. In fact, within the press conference, uh, one of the major questions posed to Jamit Singh was, that if you are sanctions on India, then how much damage to the Canadian economy, ko padega, especially considering the fact that Canada has already been going through a lot of economic troubles with rising inflation, not just in the housing market, but also in general day-to-day -day things, right? Including food, right? तो इसके चलते हुए ऑलरेडी जो फ्रोजाइल कनेडियन इकोनॉमी है क्या वो ये एक और प्रेशर जो है बेर कर पाएगी या नहीं इसी के चलते हुए हर्ष पंत भी आर्ग्यू करते हैं दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट है ये जो एक सेल्फ राइचियस पोलिटिकल पोस्टरिंग है इसको छोड़ के ये अंडरस्टैंड करे लॉन्ग टर्म जो विजन है उसको Right, it is very important that they also understand India's security concerns and the sensitivity, especially as far as the separatist Khalistani movement is concerned, which in the long term could cause serious damage to India Canada ties, something which both the countries would not prefer. Right, not just in their diplomatic relations, but considering the social, political, and economic relations that both the countries enjoy with one. राइट right? तो यही अब देखने को मिलता है कि किस तरह से गवर्नमेंट, जहां पे बहुत ही पोलिटिकल कमेंटेटर्स का ये मानना है लिबरल पार्टी और जस्टिन ट्रूडो नॉट कमिंग बैक टू पावर राइट सो इज दैट दिजल्ट जहां परवमेंट आएगी एंड दैट वुड लीड टू बेटर रिलेशन विद इंडिया है तो दिस वॉज ऑल दैट आईडेट नॉट दीस्ट हमारा आखिरी बैच राइट आखिरी बैच ट्वेंटी एथ ऑक्टूबर से जो है ये शुरू हो जाएगा हमारा बैच सिक्स वो सपोज टू बी आर लास्ट बैच बट बिकॉज देवर लॉट ऑफ डिमांड एंड अंबर ऑफ स्टूडेंट है एंड मेन्स के रिजल्ट के बाद उन्होंने अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत की तो एक लास्ट बोनस बैच हम लेके आए हैं अपने ऑप्शनल का तो अब अगर आप are looking to start with your preparation now in a limited time this is the batch for you very importantly हम यहाँ पे क्या करें क्योंकि time limit कम है तो हम यहाँ पे lectures की dropping करेंगे ठीक है जहां पे आपको first set of lectures from paper वन ये आपको ट्वेंटी एथ को मिल जाएंगे एंड वहीं पे जो पेपर टू के लेक्चर्स हैं ये दिसंबर वन को जो है सारे अवेलेबल हो जाएंगे सो so दैट आप जल्द से जल्द पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द एरियाज दैट यू आर एट आप उनकी तैयारी कर पाए ठीक है